ओके सो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था गाइस? वुज देयर, अभी ये कौन कर रहा है? आज पहले से लिंक नहीं रहने की वजह से अच्छे से चल रहा नहीं है, तो प्लीज जो भी ऑनलाइन होगा कुछ ना करें. ओके नाउ गाइस टेल मी लास्ट. यस गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स किए थे, तो सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में कहाँ तक किया था? हाँ तो कौन सा लास्ट कंपाउंड कौन सा था हमारा? N2 गैस था, नाइट्रोजन गैस. ओके सो Now guys, we'll start with, let's continue with P block. And today we'll start with second compound, some important compounds. And in that second compound is ammonia. ठीक है, we are going from ammonia. ठीक है, we are starting from ammonia. अब ammonia की preparation गैस कैसे होगी? Preparation of ammonia. ठीक है, तो पहले lab method. Lab method. ठीक है, now guys lab method में हम लोगों ने एक टाइप की मेथड पहले से देखी है. टेक एनी अमोनियम सॉल्ट, यार अमोनियम कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग NH4Br एंड रिएक्टेड विद बेस NaOH. ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन? ओके एवरीवन का चैट सेटिंग थोड़ा सा ये कर दो, चेंज कर दो. मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं बाहर ये कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, उसके बाद ऐड नहीं कर हो पाओगे. ठीक है, यहाँ पे आज मुझे चैट सेटिंग्स मिल नहीं रही है. कोई भी एक दूसरे का चैट नहीं करते बैठेगा. अनुज मैं मीटिंग से लेफ्ट करा दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ. ओके सो व्हाट विल हैपन? NaBr विल फॉर्म. Plus OH and H will become H2O. Plus NH4 will form NH3. ठीक है, तो ये एक है. Similarly, you can also use NH4 twice SO4. But base can be anything, guys. Base can be anything. For example, we can also use KOH. So what will happen? K and SO4 both will react to form K2SO4. Plus OH and H will form H2O. Plus NH4 plus NH4 जो था उसमें से H निकल जाएगा and they will form two NH3.
ये रिएक्शन गाइस तुम लोगों को लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी मैंने आई गेस, तो इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम, इसमें किसी कुछ प्रॉब्लम? ओके तो गाइज ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, पकड़ लेते हैं, बाय यूजिंग अमोनियम सॉल्ट। नाउ गाइज सेकेंड इज बाय यूजिंग नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स के साथ रिएक्शन कैसे होती है? तो गाइज देखो, let's assume I'm using lithium nitride and I'm reacting it with HCl. तो lithium के ऊपर charge रहता है plus one, nitrogen के ऊपर charge रहता है minus three, इसके ऊपर plus one, इसके ऊपर minus one. तो guys होगा क्या? Opposite charges attracts. तो lithium जो है वो chlorine के साथ combine होगा and nitrogen will attack on hydrogen. बट गाइस यहाँ पे कितने लिथियम है? तीन है, तो यहाँ पे तीन HCl लगेंगे. नाइट्रोजन तीन HCl के साथ कंबाइन होके बनाएगा तीन NH3, सॉरी नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके बनाएगा NH3 एंड तीन क्लोरीन एंड तीन लिथियम कंबाइन होके बनाएंगे तीन LiCl. इसमें किसे विच डाउट? LiCl. अब गाइस ऐसी कोई भी रिएक्शन आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 प्लस H2SO4. अगर इसमें रिएक्शन हुई तो रिएक्शन कैसे होगी? देखो मैग्नीशियम इज प्लस टू, नाइट्रोजन इज माइनस थ्री, प्लस वन माइनस टू, तो आई थिंक यू विल गेट MgSO4 प्लस NH3. ठीक है, इसे खुद से बैलेंस कर लोगे तुम लोग गाइस? कैन यू बैलेंस इट? ऐसे तुम लोगों से बैलेंस आराम से हो जाएगा. ठीक है, एंड गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेबर्स प्रोसेस. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल मेथड. पता है ना ये इंडस्ट्रियल मेथड है. इंडस्ट्रियल मेथड का नाम क्या रहता है? एबस प्रोसेस. एबस प्रोसेस. नाउ गाइस एबस प्रोसेस रिएक्शन क्या है बताओ जल्दी, व्हाट इज द रिएक्शन? N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस, बराबर. नाउ गाइस ओवर हियर व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड? तो ओवर हियर आयरन मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट इज यूज्ड इन व्हिच Fe इज कैटलिस्ट, MO इज प्रमोटर. ठीक है, दिस रिएक्शन हैपेंस एट 773 केल्विन, करेक्ट बोल रहा हूँ, एंड एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट प्रेशर? 200 बार प्रेशर. ठीक है, 200 बार का प्रेशर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, 778 केल्विन का टेम्परेचर यूज करते हैं एंड ये रिएक्शन हो जाती है. अब गाइस मेरा क्वेश्चन ये है, देखो डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, ये तुम लोगों को एग्जाम में दिया होगा, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज -46.1 किलो जूल पर मोल. ठीक है, नाउ गाइस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? Obviously this reaction is exothermic. Very nice. Now guys, exothermic reaction occurs at high temperature or low temperature? Exothermic reaction are spontaneous at, very nice, correct बोल रहे हो. So guys, exothermic reactions are spontaneous at low temperature. याद है? ठीक है, या फिर low temperature favorable reaction रहती है. ये temperature, ये reactions जो है वो low temperature पे easily हो जाती है. So these reactions are low temperature favorable. ठीक है, तो गाइज मुझे बताओ ये low temperature favorable क्यों? क्योंकि इसमें से हम लोगों को हीट बाहर निकालनी है. तो गाइज हीट बाहर कब निकलेगी? जब हम लोग temperature कम करेंगे. If temperature is low तो reaction easily बाहर, मतलब reaction में से हीट बाहर easily निकल पाएंगी. ठीक है, now guys you tell me, 773 केल्विन मींस 500 डिग्री सेल्सियस. 500 डिग्री सेल्सियस इज अ लो टेम्परेचर और अ हाई टेम्परेचर? 500 डिग्री सेल्सियस इज अ लो, हाँ इट इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर है. तो मुझे बताओ यार
रिएक्शन तो होने वाली थी लो टेम्परेचर पे, स्टिल वी रिक्वायर सो मच हाई टेम्परेचर. वाई रिएक्शन होने वाली थी लो टेम्परेचर पे, स्टिल वी रिक्वायर सो मच हाई टेम्परेचर. वाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सानी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. तो गाइज यहाँ पे हाई टेम्परेचर इज यूज टू ब्रेक बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए. नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट इजिली, याद है ना. तो हाई टेम्परेचर का रीजन, रीजन फॉर हाई टेम्परेचर इज टू अचीव हाई नंबर ऑफ कोलिजन्स, हाई नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड इफेक्टिव इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है तो हाँ एक्टिवेशन एनर्जी गाइस, एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने के लिए इतना हाई टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं. ठीक है ओके, राइट इट डाउन फास्ट, ये कंप्लीट करो लिख के जल्दी. चलो गाइस हो गया इतना लिख के, आगे बढ़े क्या? यस सो गाइस नेक्स्ट, लास्ट टाइम हम लोगों का नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया था ना बाय द वे. ओके नाउ गाइस प्रिपरेशन में एक लास्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है प्रिपरेशन में एक लास्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स. ठीक है मतलब ये इंडस्ट्री में नहीं होता ऑब्वियसली, ये यूजुअली सॉइल के टाइम पे होता है जब हम लोग सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड करते हैं. ठीक है ओके बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स. तो गाइज फर्टिलाइजर्स का एक एग्जांपल दो तो यूरिया, यूरिया इज वन ऑफ द एग्जांपल. तो गाइज H2N-C(OO)NH2 इसे अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं, ठीक है इसे अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो होगा क्या? तो वॉटर NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म NH4+ O-C(OO)-NH4+. ठीक है तो ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनाते हैं. अब गाइज इस कंपाउंड का नाम कोई बताएगा? देखो ये तुम लोगों को समझ में आ गया, NH2 में H2O अगर मैं ऐड करूंगा तो NH4+O- बनेगा. रिएक्शन इज क्वाइट इजी. अब यूरिया से जो कंपाउंड बना, यूरिया में वाटर ऐड करने से जो कंपाउंड बना इसका नाम कोई बताएगा? शायद से अभी तुम लोगों को इसका नाम नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिखूं NH4 twice CO3 तो मेरे ख्याल से अभी तुम लोग इसका नाम बता सकते हो. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अरे बताओ, NH4 twice is, very nice दिया. This is ammonium carbonate. And guys, carbonates decompose readily to evolve CO2 gas. तो इसमें से CO2 gas रिलीज होती है. Plus दो ऑक्सीजन तो ये निकल गए, देखो ये दो ऑक्सीजन ऐसे निकल गए CO2 बन गए. एक ऑक्सीजन बचा तो इधर से एक हाइड्रोजन दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, तो प्लस H2O मिलेगा. एंड दोनों NH4 में से एक एक हाइड्रोजन निकलने के बाद
तुम लोगों को मिलेगा 2NH3, ठीक है। नाउ गाइस सिमिलरली कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, दिस इज कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, इट इज ऑल्सो अ फर्टिलाइजर। दिस कंपाउंड ऑन रिएक्टिंग विथ वॉटर, याद रखो ऑल फर्टिलाइजर्स विथ वॉटर, ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स प्लस वॉटर ऑलवेज यील्ड्स NH3। क्या मिलेगा यहाँ पे NH3, कैल्शियम एंड वॉटर कंबाइन होकर क्या बनाएंगे CaOH2, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंसिंग हम लोगों को करने की कुछ जरूरत है नहीं, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। सो गाइस एनी डाउट, चलो जल्दी लिख दो, फास्ट लिखिए, कंप्लीट कर दो इसे। नाउ गाइस नेक्स्ट इज ओके केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्या, यप, और तीसरी चीज वहां पे CO2 फॉर्म होगी, करेक्ट बोल रहे हो, CO2 रिलीज होगा वहां पे भी। गाइस आगे बढ़े, ओके सो नेक्स्ट डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज। अब अमोनिया के लिए मुझे तुम लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देखो ये NH3 है, अमोनिया लिक्विड गैस सॉलिड क्या रहता है, तो अमोनिया इज अ कलरलेस, या फाउल स्मेलिंग या फिर पंजेंट स्मेलिंग, गैस। अब कोई बोलेगा कि सर हम लोगों ने स्कूल में पंजेंट स्मेलिंग सुना था या फिर पढ़ा है, तो इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, फाउल स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेई वाले या फिर नीट वाले तुम लोगों को ये ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो फाउल स्मेलिंग गैस विच इज वीकली बेसिक इन नेचर। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा दैट अमोनिया इज विच टाइप ऑफ बेस, अरेनियस, ल्यूइस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, कौन से टाइप का ये बेस है बताओ, अमोनिया इज विच टाइप ऑफ बेस। तो देखो गाइस तीन टाइप के बेस रहते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा था अरेनियस थियरी, ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा है अरेनियस थियरी, ओके। तुम लोगों को अभी तक लिविस बेसिस मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं, तो वो तुम लोगों का आंसर करेक्ट है। अरेनियस ने हम लोगों को बताया था दैट एसिड, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी गाइस, ठीक है, एसिड्स जो रहते हैं वो रहते हैं H+ डोनर, वो H+ को डोनेट करते हैं, एंड बेस जो रहते हैं वो रहते हैं OH- डोनर, वो OH- को डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी, एंड जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है एसिड्स आर H+ डोनर एंड बेसेस आर H+ एक्सेप्टर, वो एक्सेप्ट करते हैं H+। एंड तीसरी हम लोगों ने थियरी पढ़ी लिविस थियरी, जिसका आंसर सबका आ रहा है, which states that acids जो रहते हैं वो lone pair acceptor रहते हैं, lone pair of electron acceptor, and base जो रहते हैं वो lone pair of electron donor रहते हैं। तो ammonia is a Lewis and Bronsted Lowry base, Bronsted Lowry base. Now, what is the meaning of this statement? ठीक है, एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं,
इसका एक्सप्लेनेशन NH3 के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर किसी और को डोनेट कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो जो लोन पेयर डोनर है वो लिविज बेस है। अगर समझो कि इसे मैंने किसी H प्लस के साथ रिएक्ट कराया, एसिड के H प्लस के साथ रिएक्ट कराया, तो ये लोन पेयर अपनी H प्लस को देगा। H प्लस को लोन पेयर देना मतलब लिविज बेस, बट H प्लस को एक्सेप्ट करना मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, एंड इट विल फॉर्म NH4+। गाइस हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? H प्लस के साथ रिएक्ट करना मीन्स लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, एंड लोन पेयर डोनेट करना मतलब लिविज बेस। So it act as a, yeah, or else it can act as a Lewis base as well as a Bronsted base. Any doubt? ठीक है. Second property reaction with acid. ये first property थी पूरी की पूरी. ठीक है. Second property reaction with acid. अब यहाँ पे guys मुझे लग रहा नहीं, मुझे तुम लोगों को कोई reactions लिख के देने की या फिर explain करने की जरूरत भी है. NH3 plus HCl, I think you can manage it. NH3 plus H2SO4, यार ये रिएक्शन भी नहीं पढ़ाने की जरूरत मुझे. This reaction is quite important, जो कि मैंने तुम लोगों को अभी तक दो या तीन बार तो पढ़ा के हो चुका रहूंगा. NH3 plus BF3, मानते हो कि नहीं? ये रिएक्शन अभी तक दो बार तो मिनिमम हो गई है. बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते हैं, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर बोरॉन को दे देता है, एंड हम लोगों को मिलता है नाइट्रोजन बोरॉन एडक्ट. याद है ये रिएक्शन? ये भूल गए. अब इस रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है, देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर इज SP3, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर इज SP2. नाइट्रोजन की यहाँ पे अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट बोरॉन ने भी चार बॉन्ड बना लिए, तो ये भी हो जाता है sp3. याद है ना गाइस, ये नाइट्रोजन ने लोन पर डोनेट किए तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, बोरॉन ने एक्सेप्ट किए इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज. एनी डाउट? ओके. थर्ड रिएक्शन इज सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन. अब गाइस ये बहुत बहुत मस्त रिएक्शन है. देखो इनमें होता क्या है. अब हमारा ये जो अमोनिया है ये बहुत मस्त वाले सॉल्ट बनाता है. किसके साथ? मेटल्स के साथ. ठीक है, तो ये ऐसी वाली रिएक्शन तो तुम लोगों ने पहले भी बहुत बार की है. मुझे बताओ FeCl3 प्लस NaOH क्या बनता है? FeCl3 प्लस NaOH क्या बनता है गाइस? NaCl कितने बनेंगे? 3 NaCl. तो 3 NaCl एंड Fe को 3 OH अटैच हो जाते हैं एंड वी गेट FeOH2. टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ FeOH2? व्हाट इज द कलर ऑफ FeOH2? जल्दी बताओ. इसका कलर रहता है, अरे ये रस्ट है ना, मतलब Fe+3 में, तो इसका कलर रहता है रेडिश ब्राउन. अब गाइस रेडिश ब्राउन कंपाउंड में रेडिश ब्राउन PPD बनती है ये. ठीक है, ये PPD बनता है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता. ठीक है, बट दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्टेड विथ अमोनिया, अमोनिया के पास है लोन पेयर, एंड ये अपनी लोन पेयर देता है मेटल को, मेटल को लोन पेयर मिलने के बाद बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. एंड यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है? अच्छा हाँ, तुम लोगों को अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा के हुई नहीं है, तो तुम लोगों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, फिर समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. बट गाइस याद रखो ये रहता है लिगैंड, इसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड. क्या बोलते हैं? लिगैंड. लिगैंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एंड लिगैंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना सकते हैं? जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की क्या है? 3 है, तो उसके डबल लिगैंड यूजुअली अटैच करते हैं. गाइस ये जस्ट एक ट्रिक है कि जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके डबल लिगैंड्स अटैच हो सकते हैं. तो यहाँ पे NH3 6 टाइम्स, FeNH3 6 टाइम्स डॉट, बाद में बाहर की तरफ कितने OH आएंगे? तो बाहर की तरफ आएंगे 3 OH. ठीक है,
बाहर की तरफ तीन OH है और इसके साथ अमोनिया अटैच हो गया, एंड दिस कंपाउंड डिजॉल्व्स, ये कंपाउंड जो है वो सल्यूबल कॉम्प्लेक्स रहता है, ये सॉल्ट होता है, सल्यूबल सॉल्ट। पहले पीपीटी बनी थी, अमोनिया डालते ही पीपीटी डिजॉल्व हो जाती है। और एक एग्जाम्पल देखो गाइज, और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव TuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब गाइज कॉपर सल्फेट प्लस, या फिर तुम लोगों को चलो कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट गाइज, कॉपर सल्फेट अगर मैं NaOH के अंदर मिक्स करूं तो क्या बनेगा, मुझे बताओ, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH क्या बनेगा? तो पहली बात तो अगेन Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 प्लस गाइज CuOH ट्वाइस, इसका कलर रहता है ब्लूइश ग्रीन, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर रहता है, इसका कलर रहता है ब्लूइश ग्रीन। अब गाइज इसमें अगर मैं अमोनिया मिक्स करूं तो कॉपर के साथ कितने अमोनिया रिएक्ट करेंगे, अब यहाँ पे कॉपर के साथ कितने अमोनिया रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कॉपर के साथ गाइज चार अमोनिया रिएक्ट करेंगे, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो +2 के साथ रिएक्ट करने के लिए उसके डबल चार लगेंगे। गाइज दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ये हमेशा फॉलो नहीं होती, ठीक है, Cu, बट हाँ 95% ऑफ द टाइम ये फॉलो होती है, CuNH3O4 एंड बाहर की तरफ आ जाएंगे OH ट्वाइस, ठीक है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, तुम लोगों को भी एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, AgNO3 प्लस NaCl। अब गाइज मुझे बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, एक तो बनेगा NaNO3 एंड दूसरा बनेगा AgCl। अब AgCl कौन सी पीपीडी बनाता है गाइज, ब्लूइश ग्रीन पीपीडी लिखना है यहाँ पे, AgCl कौन सी पीपीडी बनाता है, व्हाइट पीपीडी। गाइज दीज आर सॉल्ट, दिस इज अ सल्यूबल सॉल्ट, दिस इज अ सल्यूबल सॉल्ट जो कि डिसॉल्व हो जाता है। अब गाइज AgCl प्लस NH3, मुझे बताओ अभी Ag को कितने अमोनिया ऐड होंगे, कितने अमोनिया रिएक्ट करेंगे Ag के साथ, वेरी नाइस गाइज, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो इसके साथ से दो रिएक्ट कर पाएंगे अमोनिया, ठीक है, एंड यू विल गेट Ag NH3 twice Cl, ठीक है। एंड अगेन दिस इज, देखो ये व्हाइट पीपीडी है, तुम लोगों ने देखी भी होगी ये पीपीडी, इसमें अमोनिया डालते ही ये डिसॉल्व हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ सॉल्युबल सॉल्ट, या फिर सॉल्ट को ही इस बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो गाइज दीज आर सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ये तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताए भी जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आगे बढ़ेगा गाइज, शुड वी मूव अहेड। अब गाइज नेक्स्ट इज फोर्थ, बर्निंग ऑफ अमोनिया, बर्निंग ऑफ अमोनिया और कुछ नहीं, अमोनिया को जलाना, ठीक है। तो गाइज अमोनिया को हम लोग जलाएंगे कैसे, NH3 प्लस O2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाएंगे NO, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाएंगे 3H2O, 3 नहीं 3/2H2O, 3/2H2O, ठीक है। मुझे लग रहा नहीं इसमें कुछ ज्यादा तकलीफ है, ठीक है, बैलेंसिंग तुम लोग खुद से कर लेना थोड़ा सा। अच्छा ये ऑर्गेनिक रह, ऑर्गेनिक में तुम लोगों को ये हो गया है क्या थोड़ा बहुत, ओके ग्रेट, अगर ऑर्गेनिक में ये सब पढ़ा लिया है तो, ये ऑर्गेनिक में तुम लोगों ने पढ़ा है, ओके अच्छी बात है, बट बहुत अच्छी बात है अगर ऑर्गेनिक में ये हो गया है तो। ओके सो गाइस बर्निंग ऑफ अमोनिया, NO प्लस H2O बनता है, H2O कितने बनते हैं वो तुम लोग एक बार बैलेंस करके देख लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े क्या नेक्स्ट, अमोनिया, अमोनिया के यूजेस गाइज, एज अ फर्टिलाइजर सबसे कॉमन यूज, ठीक है, इसके यूजेस क्या रहते हैं, नंबर वन फर्टिलाइजर, बाकी तुम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेना, सॉल्ट फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है, एनालिसिस में काम आता है, लैब में एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो मेन यूज फर्टिलाइजर, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े गाइस, अब जहां तक तुम लोग मुझे बता रहे हो कि मैंने डाई नाइट्रोजन स्टार्ट किया था बट कंप्लीट नहीं किया, तो वो जरा कर लेता है, डाई नाइट्रोजन N2, ओके
नाउ गाइस डाई नाइट्रोजन इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करते पहले. एक प्रॉपर्टीज क्या है? ओके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. नाउ गाइस इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यूज करने वाले हैं लैब मेथड्स, ठीक है. लैब मेथड्स नहीं सॉरी इंडस्ट्रियल मेथड. इंडस्ट्रियल मेथड एंड गाइस इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एयर. गाइस एयर में पहले से 78% नाइट्रोजन है, तो और किसी जगह से बनाने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को, गेटिंग इट. तो हम लोग एयर को डिस्टिल करते हैं, एयर को डिस्टिल किया जाता है, करेक्ट बोल रहे हो. एंड गाइस एयर के अंदर पहले से देखो भाई, एयर के अंदर पहले से एक है ऑक्सीजन और दूसरा है नाइट्रोजन. ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहता है 98 केल्विन एंड नाइट्रोजन का रहता है 78 केल्विन. अब गाइस ये दोनों नंबर्स तुम लोगों को एग्जाम में याद रखने नहीं है, ये दोनों नंबर्स करेक्ट भी नहीं है. ऑक्सीजन का एग्जैक्ट रहता है 90 केल्विन एंड नाइट्रोजन का रहता है 77.2 केल्विन. मैंने दोनों को राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है. तो मतलब एक थोड़ा सा याद रखने के लिए इजी, तुम लोगों को रेंज तो पता रहनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है. रेंज पता रहने के लिए मैंने इन दोनों को राउंड ऑफ कर लिया है 98 एंड 78, बट इन रियलिटी इट इज 90 एंड 77.2. अगर किसी को एग्जैक्ट लिखना होगा तो ऑक्सीजन इज 90, नाइट्रोजन इज 77.2. अब गाइस मुझे बताओ इनको मुझे लिक्विड में लेके जाना है, डिस्टिल करना है मतलब क्या, तो मुझे गैस को लिक्विड बना के सेपरेट करना पड़ेगा. मैं इन्हें कूल करूंगा या हीट करूंगा? आई विल स्टार्ट कूलिंग देम या हीटिंग देम, बताओ. ओके तो गाइस कूल करेंगे हम लोग इन्हें, कूल करके लिक्विड में लेके जाएंगे. नाउ माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एयर लिक्विफिकेशन या फिर एयर डिस्टिलेशन, ड्यूरिंग एयर डिस्टिलेशन विच गैस लिक्विफाइज फर्स्ट, पहले कौन सी गैस लिक्विफाई होगी, ठीक है. तो ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी O2. तो सिद्धेश गुरव करेक्ट आंसर है, यश ठुमरे करेक्ट आंसर है. तो गाइस देखो बे, हम लोगों का रूम टेम्परेचर रहता है 298 केल्विन, ये केल्विन में है, ठीक है. ताने का करेक्ट आंसर दिया, करेक्ट आंसर है. हम लोग कूल करना स्टार्ट करेंगे 200 डिग्री कम करने के बाद, -200 केल्विन मतलब 298 से 200 केल्विन हम लोग नीचे आ गए, तब हम लोग पहले पहुंचेंगे 98 केल्विन पे, जहां पे O2 का होगा लिक्विड, O2 लिक्विड मिलेगा अपने को. उसके बाद और 20 डिग्री कम करने के बाद, और 20 केल्विन कम करने के बाद यू विल रीच 78 केल्विन, जहां पे तुम लोगों को मिलेंगे N2 के लिक्विड. अरे ये समझ में आ रहा है, हम लोगों को हीट नहीं करना है यार. तुम लोग हीटिंग के हिसाब से सोच रहे थे आई गेस कि यार 0 से 78 पहले पहुंचेंगे उसके बाद 98 आएगा, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे कूल डाउन करना है, टेम्परेचर कम लेके जाना है, तो O2 सबसे पहले लिक्विफाई होगा. देखो ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, एंड इन लॉजिकल क्वेश्चन में ही हम लोग दम तोड़ देते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 लैब मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉरी मेथड नंबर 2 लैब मेथड. अब गाइस इसमें हम लोग पहले देखने वाले हैं बाय यूजिंग अमोनियम सॉल्ट. अब यार ये अमोनियम सॉल्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं? देखो अमोनियम सॉल्ट की दो रिएक्शंस रहती है, अमोनियम सॉल्ट की दो रिएक्शंस रहती है. नहीं, बॉन्ड ब्रेकिंग थियरी बॉइलिंग में, लिक्विड में, लिक्विफिकेशन में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता गाइस, याद रखना. लिक्विफिकेशन, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, इनमें कभी भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, उल्टा सेकेंडरी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं या फिर सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है. सेकेंडरी बॉन्ड्स फॉर्म होंगे या फिर सेकेंडरी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बट ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये नहीं ब्रेक होगा, ठीक है. ये मैंने तुम लोगों को बहुत पहले ही बताया. अब गाइस बाय यूजिंग अमोनिया, अमोनिया दो मैनर में रिएक्ट करता है. पहला मैनर फर्स्ट अमोनियम सॉल्ट,
प्लस बेस, गाइस अमोनियम प्लस बेस ऑलवेज गिव्स अस NH3, ठीक है। मुझे लगा था ये तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, बट नहीं पढ़ाया था तो सॉरी, ये अभी लिखते हैं हम लोग। तो गाइस अमोनियम इज NH4Cl प्लस बेस कैन बी एनीथिंग, याद रखना हमेशा पहले क्या बनेगा NH3 ही बनेगा। गाइस देखो रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल, NaCl निकलेगा, एक यहां से H, ये OH HOH कंबाइन होकर H2 बनाएंगे, NH4 में से H निकलने के बाद तुम लोगों को मिलेगा NH3, NH3 H एंड OH विल फॉर्म H2O एंड Na एंड Cl विल फॉर्म NaCl, ठीक है। अब गाइज लाइक वाइज ऐसी कोई भी रिएक्शन तुम लोगों को आ जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम लोगों को देखो, तुम लोगों को अमोनियम दिखा NH4 ट्वाइस SO4, लेट अस रिएक्ट इट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम प्लस बेस ये दिखते ही गाइज SO4 एंड कैल्शियम सल्फेट बनेंगे, कैल्शियम सल्फेट। अब गाइज यहां से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एंड यहां से दो OH कंबाइन होकर दो H2 बनाएंगे, NH4 में से दो NH4 में से दो H निकल गए, तो यू विल गेट 2NH3 प्लस 2H2O प्लस कैल्शियम सल्फेट। रेड आउट गाइस, रिएक्शन नंबर टू अमोनियम प्लस हाई ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्ट, ठीक है, अमोनियम प्लस हाई ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्ट। नाउ गाइस दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम लोग नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर कर रहे हैं, अमोनिया नहीं। ये तो अमोनिया की प्रिपरेशन हो गई यार, ये जो मैंने तुम लोगों को बताया वो अमोनिया की प्रिपरेशन है, बट ये अमोनियम सॉल्ट की एक रिएक्शन है, इसलिए मैंने बता दी। अब गाइस हाई ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्ट के साथ कैसे होता है, देखो दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो NH4Cl प्लस NaNO2। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NaCl निकलेगा, NaCl निकल गया प्लस दूसरा बनेगा NH4NO2। अब गाइस NH4NO2 में टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH4 वाला नाइट्रोजन एंड NHNO2 वाला नाइट्रोजन, ठीक है। तो गाइज NH4 वाले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तुम लोगों को -3, NO2 वाले की आएगी +3। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सॉल्ट इन हाई ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्ट, उसका एग्जांपल है ये। अब गाइज ये +3 है और एक -3 है, -3 वाले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, +3 के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये -3 +3 को इलेक्ट्रॉन देता है या फिर +3 -3 से इलेक्ट्रॉन खींच निकालता है, आर यू गेटिंग इट। फिर भाई गाइज यहाँ पे H एंड O कंबाइन होके बनाएंगे H2O एंड यू विल गेट N2 गैस प्लस 2H2O। हाँ गाइज तुम लोगों को समझ में आ रहा है, -3 + 3 कंबाइन होके न्यूट्रल बन गया या फिर 0 बन गया। सी दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। लाइकवाइज अनदर रिएक्शन, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ NH4 ट्वाइस SO4 प्लस K2Cr2O7। अब गाइज यहाँ पे क्या बनेगा, देखो पोटेशियम एंड सल्फेट निकल जाएंगे, K2SO4 निकल जाएगा एंड यू विल गेट अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट। सी दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट से अमोनियम डाइक्रोमेट बना। नाउ गाइज ओवर हियर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बताओ मुझे, डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। यस गाइज +6 रहता है, यप। अब गाइज ये -3 + 6 -3 से 3 इलेक्ट्रॉन खींच निकालेगा, +6 जो है वो -6 से तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहे हैं, तो गाइज नाइट्रोजन -3 से 0 चला जाएगा, क्रोमियम +6 से, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से कहाँ पे चली जाएगी,
गाइस देखो, दो नाइट्रोजन है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दोनों ने अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्रोमियम +6 से +3 जाएगा, वेरी नाइस। +6 से +3 मतलब ये ऐसे कुछ होगा, Cr2O3। एंड गाइस यहाँ पे 4 × 2 मतलब 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन दे, समझ में आ रही है। एंड 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बनाएंगे 4H2O। देखो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ, ठीक है। अब गाइस सिमिलरली बी बाय यूजिंग अजाइड, बी बाय यूजिंग अजाइड, अजाइड का मीनिंग रहता है N3-, अजाइड का मीनिंग रहता है N3-। एंड रिमेंबर दिस, अल्ट्रा प्योर अमो नाइट्रोजन, अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड, अल्ट्रा प्योर N2 इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, ठीक है। तो ये होता कैसे है देखते जरा। सो अजाइड के एग्जाम्पल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है सोडियम अजाइड। अब गाइस सोडियम अजाइड देखो, ये कंपाउंड मुझे बताओ N3 स्टेबल है या N2 स्टेबल है, N3 स्टेबल या N2 स्टेबल। तो गाइस ऑब्वियसली N2 इज स्टेबल एंड N3- अजाइड इज लेस स्टेबल, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट लेस स्टेबल, अजाइड्स आर लेस स्टेबल। एंड गाइस अगर अनस्टेबल चीज को मैं हीट करूं तो वो और ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, और ज्यादा अनस्टेबल बन के वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बेचारा, और क्या। तो गाइस ये टूट जाता है एंड N2 बनता है। तो 3 और 2, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 N2 बनेंगे, N2 N3 बनेंगे प्लस 2 Na, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन एंड आउट, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। देखो गाइस सिमिलरली दूसरा रहता है बेरियम अजाइड। देखो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड। अब दूसरा रहता है बेरियम अजाइड, BaN3 twice, which is बेरियम अजाइड। देखो बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, बेरियम ये +2 रहता है, इसलिए यहाँ पे 2 N3- है, समझ में आ रहा है कुछ। बेरियम अजाइड, बेरियम अजाइड। अब बेरियम अजाइड को भी अगर मैं हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 N2 प्लस बेरियम, एनी डाउट। ओके लिख दो गाइस, ये कंप्लीट करो जल्दी फास्ट। लेस स्टेबल रहेगा क्या, तो नहीं, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एक्चुअली, तो बेरियम अजाइड इज नॉट लेस स्टेबल। चलो गाइस लिख के हो गया, शुड वी मूव अहेड। ओके नाउ गाइस बाय यूजिंग अमोनिया, अमोनिया को यूज करके, ठीक है। तो चलो देखते हैं बाय यूजिंग अमोनिया। तो गाइस ये कैसे होता है, थर्ड मेथड आई गेस, दिस इज आवर थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड बाय यूजिंग अमोनिया, बाय यूजिंग अमोनिया। नाउ गाइस अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है, NH3 प्लस Cl2 क्या होगा गाइस, इसमें क्या बनने वाला है मुझे तुम लोग ही बताओ, इसमें क्या बन सकता है।
इसमें बनने क्या वाले, जल्दी बताओ फास्ट। यस गाइस जल्दी, वेरी नाइस। इसमें क्या बनेगा, इसमें HCl बनेगा, परफेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस इसमें H एंड Cl कंबाइन होकर बनाएंगे HCl, एंड जो नाइट्रोजन बचा उसके साथ भी क्लोरीन रिएक्ट करेगा, एंड यू विल गेट, देखो एक बनेगा HCl जो तुम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट बोला, एंड दूसरी चीज बनेगी NCl3। समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब यहाँ पे गाइस H तीन थे तो यहाँ पे तीन HCl बनेंगे, एंड 3+3 6, मतलब यहाँ पे तीन Cl लगेंगे। ये समझ में आ रहा है, दिस हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, दिस हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस। बट गाइस अगर क्लोरीन के बदले अमोनिया एक्सेस में ले लिया मैंने, NH3+Cl2, एंड नाउ अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है। अब अमोनिया अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, देखो पहली बात तो HCl निकलेंगे, ये तो तुम लोग मानते रहोगे यार HCl निकलने वाला है, ठीक है। कितने HCl निकलेंगे गाइस, तो देखो हाँ, अब दूसरा नाइट्रोजन जो है वो बहुत एक्सेस में है, क्लोरीन कम गिर रहे गाइस एंड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन दो कंबाइन होके N2 बनाएंगे, आर यू गेटिंग इट, 2NH3+Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे कितने HCl बनेंगे, फिर 6 HCl बनेंगे, 6 HCl मतलब यहाँ पे कितने क्लोरीन लगे हम लोगों को, 6 क्लोरीन लगे, मतलब 3Cl2 एंड आउट। अब गाइज ये जो 6 HCl है, अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस, याद रखना अमोनिया एक्सेस में रखा है हम लोगों ने, अगर ये एक्सेस में है तो नेक्स्ट स्टेप में बाकी एक्स्ट्रा का अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अरे कुछ समझ आ रहा है, बाकी एक्स्ट्रा का बचा हुआ अमोनिया HCl के साथ, 6 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एंड यू विल गेट NH4Cl। अब गाइज अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखने जाऊं, सो व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, देखो ओवरऑल रिएक्शन इज 6 HCl 6 HCl कैंसिल आउट हो गए, 2+6 8NH3 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स अस NH4Cl प्लस N2, ठीक है। तो गाइज ओवर हियर अमोनिया इज यूज्ड इन एक्सेस रिएक्ट अमाउंट, ठीक है। ये रिएक्शन NCERT में दी हुई है, जो कि सिर्फ इतना पार्ट है, तुम लोग इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे तो तुम लोगों को ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। राइट इट डाउन गाइस फास्ट, कंप्लीट दिस। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। NCl3 कहां पे गया गाइस, ये दो अलग अलग रिएक्शन है, देखो रिएक्शन नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज रिएक्शन नंबर 2, मतलब यहां से रिएक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक्सेस में अगर क्लोरीन लोगे तो NCl3 बनेगा, एक्सेस में अगर नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन इन द सेंस अमोनिया लोगे तो N2 बनेगा। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रही है, दो अलग अलग रिएक्शन है, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है बहुत सारी एग्जाम्स में, क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट कंडीशन में हो रहा है ना। दे विल आस्क यू नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन, व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस अमाउंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, सॉरी अमोनिया एंड क्लोरीन, व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस अमाउंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन, दो अलग अलग रिएक्शन होती है, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है एंड अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, इसकी प्रॉपर्टीज। अब गाइस डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस, ठीक है, कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस। अब पॉइंट नंबर 2 गाइस, इसकी रिएक्शन, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो गाइस इट्स रिएक्शन विथ नॉन मेटल, तो देखो N2+O2 गिव्स अस 2NO। अरे याद है ना, इज इट पॉइजनस, अरे भाई नाइट्रोजन एयर में है, सांस ले रहे हो ना,
मर रहे क्या? नाइट्रोजन पॉइजनस कैसे होगा? एयर में अभी भी प्रेजेंट है, सांस तो ले रहे हो, तो अगर नहीं मरे हो अभी तक मतलब नॉन पॉइजनस है। तो प्लेटिनम रेनियम, ठीक है। हाँ बाय द वे गाइस, दिस रिएक्शन अकर्स एट 2000 केल्विन, ठीक है, बट व्हेन वी यूज प्लेटिनम रोडियम गॉग या फिर प्लेटिनम रोडियम गॉज, ठीक है, दिस रिएक्शन अकर्स एट 500 केल्विन एंड 9 bar प्रेशर, ठीक है। तो दिस इज विदाउट कैटलिस्ट ऊपर वाली रिएक्शन एंड नीचे वाला इज विथ कैटलिस्ट। अब विथ कैटलिस्ट गाइस टेम्परेचर कम हो गया, क्यों? दिस इज विथ कैटलिस्ट, तो विथ कैटलिस्ट रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस, व्हाई? विथ कैटलिस्ट रिएक्शन, हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी गाइस, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कैटलिस्ट के साथ? एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होता है कैटलिस्ट के साथ बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। नाउ गाइस सिमिलरली और एक रिएक्शन लिखो, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। इसके बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर सब कुछ देख लिया, ठीक है। दिस रिएक्शन अकर्स इन FeMO कैटलिस्ट, वेयर Fe इज कैटलिस्ट, MO इज प्रमोटर एट 773 केल्विन एंड 200 bar प्रेशर। कभी कभी 200 bar प्रेशर को 20 MPa ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो ना, तुम लोगों को यूनिट कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, थर्ड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, बताओ मेटल की रिएक्शन। इसके साथ कौन से मेटल्स रिएक्ट करते हैं गाइज? इसके साथ सिर्फ 4 metal रिएक्ट करते हैं, सिर्फ 4 metal। हाँ गाइज, यहाँ पे देखो, तुम लोग एनसीईआरटी देखोगे तो तुम लोगों को बहुत सारे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दिखेंगी, बट जहां जहां पे मैं लिख के दे रहा हूँ उतनी तुम लोगों को बाय हार्ट रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है हमेशा। अभी देखो लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड एट 803 केल्विन। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, ऑप्शन ए वॉज रेड फॉस्फोरस, ऑप्शन बी वॉज अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, ऑप्शन सी वॉज बीटा ब्लैक, ऑप्शन डी मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन पे ही होते हैं रिएक्शंस। व्हाइट फॉस्फोरस को अगर 573 केल्विन पे हीट करोगे, ये मैं तुम लोगों को बाद में लिखा के दूंगा, डोंट वरी, तो रेड फॉस्फोरस बनता है। 803 केल्विन पे अगर हीट करोगे तो अल्फा ब्लैक मिलता है, 873 केल्विन पे अगर करोगे तो बीटा ब्लैक मिलता है। ये वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं है, मैंने थोड़ा सा किधर ना किधर थोड़ा सा उल्टा सुलटा किया रहता है, बट एक अप्रॉक्सीमेट रेंज में मैं ला के देता हूँ सो दैट तुम लोगों को ईजी करें, ठीक है। बट आई गेस ये वैल्यूज जहाँ तक मुझे याद है एग्जैक्ट रहेंगी मोस्ट प्रॉब्ली, बट स्टिल, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑक्सीजन नाइट्रोजन के लिए तुम लोगों को टेम्परेचर कंडीशन चेंज करके दे दी है, एक रेंज पता रहनी चाहिए गाइस, सिर्फ थोड़ा एक आइडिया रहेगा तो तुम लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कोई पूछना मत इसके ऊपर इंटीजर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो नहीं आएगा, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल, अब गाइस नाइट्रोजन सिर्फ 4 metal के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एक है लिथियम, दूसरा है मैग्नीशियम, इनके साथ तो इजीली रिएक्शन हो जाती है। बोरॉन, बोरॉन जो है वो अपने को क्रिस्टलाइन बोरॉन लगता है, ठीक है, नहीं तो ये रिएक्शन होना इम्पॉसिबल है। एंड लास्ट वन इज एल्यूमिनियम। तो गाइज इन सब के साथ हम लोगों का नाइट्रोजन रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अमॉर्फस बोरॉन के साथ ये रिएक्शन होगी सिर्फ, और कुछ नहीं। अब गाइज हीट कर दो, हाँ सोडियम, गाइज लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को एक्चुअली सोडियम लिख के दिया था, एंड सोडियम का एक्चुअली सोडियम अजाइड मेरे दिमाग में था, आई नो मैंने तुम लोगों को सोडियम लिख के दिया था,
बट तभी एक्चुअली सोडियम अजाइड मेरे दिमाग में चल रहा था, नाइट्राइड नहीं, हम लोग नाइट्राइड्स बना रहे हैं, और मेरे दिमाग में अजाइड था और मैंने गलती से सोडियम लिख के दे दिया था, तो मेक श्योर तुम लोग इसको चेंज कर दो। यस ये आज ही अजाइड की रिएक्शन हो गई है ना, ये अजाइड मेरे दिमाग में रहता था तभी, बट वो कभी क्लिक नहीं हुआ मुझे, आज जब ये एक दोनों एक साथ है तो मुझे वो अच्छे से याद आ रहा है। ओके ओके तो गाइस देखो, यहाँ पे लिथियम इज प्रेजेंट इन +1 एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट Li3N। बैलेंसिंग में तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मैग्नीशियम इज +2, नाइट्रोजन इज -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट Mg3N। सी दीज आर नाइट्राइड्स, देखो दिस इज लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। तो गाइस सिमिलरली बोरॉन के साथ कैसे होगा, +3 -3, तुम लोगों को मिलेगा बोरॉन नाइट्राइड। बहुत हाई टेम्परेचर इम्पॉसिबल हो जाता है, बट ठीक है रिएक्शन तो हो सकती है। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन +3 -3 AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शंस गाइस विद मेटल, ठीक है। एनी डाउट? फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ साइनामाइड। सो गाइज व्हाट इज साइनामाइड, साइनामाइड होता क्या है देखो, तो Ca2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, Ca2 इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विद N2, इन दोनों में जब रिएक्शन होती है तो तुम लोगों को मिलता है CaCN2 +C, N2 अंदर चला जाता है, एक कार्बन बाहर निकल जाता है, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। तो गाइस कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, ये मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलिन, नाइट्रोलिन, एंड नाइट्रोलिन इज अ फर्टिलाइजर, ऊपर ही मैंने तुम लोगों को बताया था, तो इट इज अ फर्टिलाइजर, राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट कर दो इसे। किसी को अगर डाउट होगा कि यार ये कैल्शियम साइनामाइड ऐसा वियर्ड कंपाउंड कैसे है या फिर ये क्या है, तो तुम लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सी डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, दोनों के ऊपर माइनस माइनस चार्ज, नीचे की तरफ कैल्शियम +2 में, ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। दिस इज कैल्शियम साइनामाइड। चलो कंप्लीट दिस फास्ट, जल्दी जल्दी लिखो। ओके लिख के हो जाए तो बता देना मुझे सिर्फ। ओके गाइस हम लोग और एक लेक्चर, उसके बाद इसकी कुछ PYQs भी करेंगे, ठीक है। मैं ongoing में इसकी कुछ PYQs करने की कोशिश करूंगा। बाय द वे आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, ठीक है। तुम लोगों को मैंने बहुत बार बोला है इनऑर्गेनिक के लिए NCERT रीड करनी चाहिए, एंड मुझे ये भी पता है कि तुम लोग NCERT रीड नहीं करते, ठीक है। तो मुझे एक चीज पूछनी है कि वॉट इफ मैं कल्पेश सर को तुम लोगों की वाइवा में NCERT रीडिंग करने बोलूँ, मतलब वो तुम लोगों के सामने NCERT ओपन करके रहेंगे, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि फोर्थ सेकेंड पैराग्राफ जो कुछ रहेगा, ठीक है, जो भी वहां पे रहेगा, तो उस पैराग्राफ में से ही विल आस्क सम क्वेश्चन, तुम लोगों की आंखों के सामने NCERT रहेगी, तुम लोग के हाथों में भी NCERT रहेगी,
एंड तुम लोग उस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन है उसका आंसर उनको करोगे। ये सबको ऑब्वियसली एक ऐसे अगर लेक्चर होगा तो बहुत लोग रहेंगे उसमें, ठीक है, बट अगर ऐसा किया जाए तो तुम लोगों की प्रेजेंट ही रहेगी क्या? बिकॉज लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ मैंने ट्राई किया था, ठीक है, तो उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं, इसलिए ये मैंने बंद कर दिया था उसके बाद। एंड सेकेंडली तो अभी उनकी इनऑर्गेनिक मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं, ठीक है, क्योंकि ओके जिन लोगों की वाइवा नहीं हो रही है मेक श्योर तुम लोग उन्नति मैम को कॉन्टेक्ट करो, उन्नति मैम का नंबर है सबके पास, तुम लोगों को जस्ट अ मिनट मैं उन्नति मैम का नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ऑफलाइन गाइज, ऑफलाइन होना मतलब सिर्फ ये क्या बोलते हैं एनसीईआरटी रीडिंग के लिए कोई ऑफलाइन में आ रहा है, आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल, कि तुम लोगों को टेक्स्ट बुक रीड कराने के लिए किसी को ऑफलाइन, मतलब ये तो स्पून फीडिंग हो जाएगी ना फिर, जरा ज्यादा ही हो जाएगा वो, तो नहीं ऑफलाइन में तो होना इम्पॉसिबल है, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग के लिए ऑफलाइन कोई आ रहा है। ओके तो गाइस दिस इज उन्नति मैम्स नंबर, मेक श्योर यू कॉन्टेक्ट हर। किस किस की वाइवा नहीं असाइन हो रही है, किस किस की वाइवा असाइन नहीं हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर नहीं हो रही थी तो ओके ओके आई विल टॉक विद हर, ठीक है। ओके ओके ठीक है, चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं। अभी तो ऑर्गेनिक की वाइवा चालू है ना, बट ऑर्गेनिक की वाइवा हो रही नहीं है तुम लोगों की, ओके ओके आई विल चेक, ठीक है ओके ठीक है देखते हैं। ओके सर कुछ लोगों की हुई है, कुछ लोगों की नहीं हो रही है, ठीक है आई गेस फिर तुम लोगों का नंबर सिस्टम में से निकल गया होगा पता नहीं कैसे, ठीक है आई टॉक विथ हर। चलो तो फॉर्मेशन ऑफ साइनामाइड तक किसी को डाउट? अब गाइस इनके यूजेस, इनके यूजेस क्या रहता है, देयर यूजेस नाइट्रोजन का यूज, मतलब इनके इन द सेंस नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का यूज, सबसे पहला यूज आइसक्रीम बनाने में काम आता है, ठीक है, तो कोल्ड फ्रीजिंग क्रायो चेम्बर्स में काम आता है, एंड नंबर टू इज इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो क्रायो चेम्बर मीन्स कोल्ड चेम्बर गाइस, क्रायो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट पता होगा ना, जस्ट मिनट गाइस आई एम गेटिंग अ कॉल।
यस गाइस, सो नेक्स्ट इज, अब हम लोग पढ़ने वाले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही है, ठीक है. तो थर्ड कंपाउंड इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन से हैं बताओ जल्दी. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कौन से हैं? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5. ये इसी ऑर्डर में हमेशा हम लोग लिखते हैं बिकॉज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है. +1, +2, +3, +4, +4, +5. अब गाइस यहाँ पे विच वन इज मोस्ट एसिडिक, यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक रहता है, विच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक बताओ जल्दी. तो गाइस यस करेक्ट बोल रहे हो, N2O5 इज मोस्ट एसिडिक एंड इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है इसलिए इनकी एसिडिटी भी सेम रहती है, ये सबसे कम होता है. एंड ये दोनों बेचारे ठहरे न्यूट्रल ऑक्साइड, अपने लाइफ में सिर्फ और एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, सिर्फ एक ही है. दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है गाइस, मतलब ये दो है और उसके साथ एक तीसरा है. हाँ वेरी नाइस, थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अ न्यूट्रल ऑक्साइड. ओके वेरी नाइस. अब गाइस इनके स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखने वाले जो हम लोगों ने पहले से देखे हुए हैं, तो स्ट्रक्चर जरा देखते हैं. तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद N2O, इसका नाम रहता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस, पता है ना ये. ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस. अब गाइज यहाँ पे N2O, ठीक है N2O, तो N2O में N2 है, मतलब N डबल बॉन्ड N है, ठीक है. N डबल बॉन्ड N को हम लोगों को अटैच करा है ऑक्सीजन. अब यार ये ऑक्सीजन की लाइफ में बहुत दुख है बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. अपने नाइट्रोजन उसको देखा, नाइट्रोजन के पास रहती है एक लोन पेयर, नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन बोलेगा भाई एक काम कर, लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तू रख दे, एंड दे विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अरे ये समझ में आ रहा है. नाउ गाइस नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट विल कैरी अ प्लस चार्ज. ऑक्सीजन इज एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस इट विल कैरी अ माइनस चार्ज. एनी डाउट? सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले NO. NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड. अब NO गाइस, NO इज क्वाइट सिंपल, देखो ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, नाउ टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन. सो गाइस कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5 रहते हैं, वेरी नाइस करेक्ट बोल रहे हो. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन. एंड ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में अभी हम लोगों ने लिखा था कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो गाइज यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन, किसकी दादागिरी चलेगी? तो गाइज ऑक्सीजन की चलेगी बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन खुद को स्टेबलाइज कर लेगा, खुद को स्टेबलाइज कर लेगा मतलब इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड इट विल बिकम स्टेबल इटसेल्फ, बट नाइट्रोजन विल रिमेन अनस्टेबल. देखो वन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, मीन्स इट इज स्टिल अनस्टेबल. दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है. दिस इज अ एक्सेप्शनल केस ऑफ लुईस थियरी. एंड यहाँ पे इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो क्या हो जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर देन इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक. अरे याद है कि नहीं, दिस कंपाउंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. बट गाइस यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक. कोई शक? अब गाइस N2O के बाद आता है N2O3, थर्ड वन इज N2O3. बट N2O3 पढ़ाने से पहले मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है NO2.
एनओ टू, एनओ टू इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, ब्राउन कलर्ड गैस, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है गाइस? फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो कि रहते हैं पेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड उसके साथ एक रहते हैं गैडोलिनियम जीडी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एनओ टू, पहले हम लोग एनओ टू पढ़ने वाले हैं, तो एनओ टू इज सेम एज एनओ, ठीक है। पहले इसमें एनओ है, देखो पहले मैं इसमें एनओ बना दिया यार, एनओ टू बनाने के पहले एनओ तो बनाना पड़ेगा ना, तो पहले मैंने एनओ बना दिया, देखो ये एनओ अपना ऐसा ही था ना, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इसको, चलेगा ये एनओ, मैंने एनओ बना दिया। अब गाइस एनओ में मुझे और एक ओ अटैच करना है, तो एनओ में अगर मुझे एक ओ अटैच करना है तो ये ओ आया, इसके लाइफ में बड़े दुख है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नाइट्रोजन ने इसका दुख देखा एंड नाइट्रोजन बोले एक काम कर, एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन तू रख, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूँ। दोनों के बीच में क्या बन गया? दोनों के बीच में बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट की, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज। अगेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, रेजोनेंस भी लगकर, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो रेजोनेंस होता है एंड दिस कंपाउंड कैन अंडरगो रेजोनेंस एंड यू विल गेट एन सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ ओवर हियर एंड सेम यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेगा। एनी डाउट गाइस? रेजोनेंस यहाँ पे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, ये यहाँ पे नीचे चला गया, दैट्स इट। अब गाइस दिस कंपाउंड ऑल्सो कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक। एनी डाउट? ओके, नाउ गाइस वंस वी लर्न अबाउट एनओ एंड एनओ टू, एन टू ओ थ्री बिकम्स मोर इजी। देखो एनओ एंड एनओ टू दोनों को कंबाइन कर दो, यू विल गेट एन टू ओ थ्री। तो एन डबल बॉन्ड एन, एक यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन था, एन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ माइनस प्लस, और यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग कर दी, शादी कर दी एंड ये बन गया तुम लोगों का एन टू ओ थ्री, एन टू ओ थ्री। डाउट? देखो बे कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो, आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। फोर्थ वन इज, सॉरी फिफ्थ वन इज गाइस N2O4, N2O4 इज अ पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू गैस, ब्राउन कलर्ड गैस। नाउ गाइस ये पेल ब्लू गैस रहती है, N2O4 कैसे बनाओगे? N2O4 दो NO2 को कंबाइन करके बनाओगे। देखो गाइस N डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ माइनस प्लस, नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एन डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ माइनस प्लस, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक बॉन्ड बना दिया, बस खत्म। अब मुझे बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ क्या? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या बन गया? ये डायमैग्नेटिक बन गया। एनी डाउट? Now guys, sixth is N2O4. Sorry, N2O5. अब guys, N2O5 कैसे बनाओगे बताओ जरा? Yes guys, N2O4. Sorry, N2O5 कैसे बनाएंगे? नहीं 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 एनओ टू और ओ टू नहीं, एन टू एनओ थ्री एंड ओ टू नहीं, एन टू ओ फाइव, एन टू ओ फाइव कैसे होगा? एन टू ओ फाइव कैसे होगा? एनओ थ्री नहीं यार, एनओ थ्री को भी बीच में ला रहे हो, एनओ थ्री प्लस ओ टू हो सकता है, बट सिंपल मेथड बताओ। अरे यार एन टू ओ फोर से एन टू ओ फाइव बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ? एन टू ओ फोर से एन टू ओ फाइव जाना है ऐसे समझते हैं, तो कैसे बनाओगे? अरे वैसे स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा वो बताओ, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अरे यार लाइफ में बहुत दुख है तुम्हारे, जैसे बीच में ऑक्सीजन लाएंगे ना
कितने बार पढ़ाया है? ब्रिजिंग ऑक्सीजन बताया तो था। तो हाँ, दो नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, ये पूछ रहा था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। माइनस प्लस माइनस प्लस डबल बॉन्ड हो, ये समझ में आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, सो गाइस दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ जो जेई 2021 में आया था। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म एन डैश एन बॉन्ड, या फिर डू नॉट कंटेन एन डैश एन बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए वॉज N2O3, ऑप्शन बी वॉज N2O, ऑप्शन सी वॉज N2O5 एंड ऑप्शन डी वॉज N2O4। अभी तुम लोगों के आंखों के सामने तो ये बहुत ईजी है, ये जेई 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार सर सिर्फ जेई के क्वेश्चन लेते हैं, नीट के नहीं, बट इसमें मतलब पी ब्लॉक के नीट के पीवाईक्यूज में कराऊंगा, बहुत ईजी आते हैं यार, बहुत ईजी आते हैं। मतलब अगर नीट का मैं पीवाईक्यू कराने गया तो ये वाला क्वेश्चन आया था, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर HNO3, N2, NH4Cl, NO। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था यार सिर्फ। मुझे बताओ HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये जेई 2017 का 18 का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, प्लस फाइव है, वेरी नाइस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको निकालने आती है। N2 में ऑक्सीडेशन स्टेट, N2 में ऑक्सीडेशन स्टेट N2 में जीरो है। NH4Cl में ऑक्सीडेशन स्टेट, शायद से तुम लोगों को NH4Cl के लिए थोड़ी सी तकलीफ हो। NH4Cl, अबे मैं ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा हूँ, एसिडिक बेसिक नहीं पूछ रहा हूँ। न्यूट्रल क्या? NH4Cl के लिए शायद से तुम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकती है। वेरी नाइस, -3 आ रहा है सबका आंसर, -3, चलो ग्रेट। एंड NO के लिए क्या है गाइस? NO के लिए क्या है? NO के लिए +2 है, वेरी नाइस। अब इंक्रीजिंग जाना है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कुछ तो था, मुझे याद नहीं है, बट अभी इंक्रीजिंग जाना है। इंक्रीज जाना है मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। तो सबसे कम कौन है गाइस? NH4Cl, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा N2, फिर आएगा NO एंड उसके बाद आएगा HNO3, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो गाइस नीट में ये ऐसे वाला क्वेश्चन आया था, तो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑल निकालना तो हम लोग ने रॉक सिलेक्शन में पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं नीट के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा करके। बट हम लोग नीट के क्वेश्चन सॉल्विंग अलग से करेंगे, जेई के क्वेश्चन मैं यहाँ पे देते ही जा रहा हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी हम लोग पढ़ने वाले देयर प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद N2O। ठीक है, पहला प्रिपरेशन N2O का। अब यार हम लोगों ने N2 बना लिया है, हम लोगों ने N2 तो बना लिया, उसमें सिर्फ एक O अटैच करना है ना। तो N2 बनाने के लिए हम लोगों ने यूज क्या किया था? N2 बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया था NH4NO2। देखो आज ही पढ़िए रिएक्शन, ऊपर जाके थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ हर्ज नहीं है। तो द रिएक्शन इज यहाँ, देखो बे, कैन यू से इट? NH4NO2 से हम लोगों ने N2 बनाया था। अब गाइस मुझे N2O चाहिए, तो NH4NO2 को मैं क्या करूंगा? मुझे N2O चाहिए, तो NH4NO2 से मुझे NO2 N2 मिलता है, तो NH4NO3 लूंगा, एक ऑक्सीजन बढ़ा दूंगा, सो दैट मुझे N2O मिलेगा। इसे गाइस हीट करो, इसे हीट करने से यहाँ से दो हाइड्रो चार हाइड्रोजन एंड दो ऑक्सीजन टू बनाएंगे, टू प्लस यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगी N2 गैस। एनी डाउट? अब गाइस नेक्स्ट इज NO, नेक्स्ट इज NO।
ठीक है नाउ इन केस ऑफ एनओ, एनओ के लिए क्या होता है, देखो सब्जेक्ट अच्छे से, एनओ का प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउनरिंग टेस्ट हम लोग बोलते हैं इसे, ठीक है। अब होता क्या, देखो तुम लोग कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट लो, ठीक है, कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट, इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं FeSO4, ठीक है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, ये टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिटर्मिनेशन होती है, ब्राउनरिंग टेस्ट, साइड में लिख दो चाहिए तो यहाँ पे ब्राउनरिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये तुम लोगों ने शायद से कॉलेज में परफॉर्म किया होगा, स्कूल में परफॉर्म किया होगा। अब गाइस ब्राउन रिंग टेस्ट में होता क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर नाइट्रेट डिटर्मिनेशन, नाइट्रेट डिटेक्शन, नाइट्रेट है या नहीं है, HNO3, NaNO3, KNO3, PbNO3, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेशन के लिए ये यूज की जाती है। अब इसको करते कैसे है, देखो वी टेक अ टेस्ट ट्यूब, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब रहती है, ठीक है, एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग कोई एक नाइट्रेट सॉल्ट लेते हैं, देखो अगर डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो नाइट्रेट सॉल्ट तो चाहिए ना पे, तो हम लोग नाइट्रेट सॉल्ट लेते हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने NO3- लिखा है, तो इट कैन बी एनीथिंग, NaNO3, KNO3, RbNO3, PbNO3, PbNO3 ट्वाइस रहता है एक्चुअली, तो इट कैन बी एनीथिंग। इसमें हम लोग ग्रीन कलर का FeSO4 का सोल्यूशन ऐड करते हैं, FeSO4 का सोल्यूशन यूजुअली ग्रीनिश रहता है। अब इनमें रिएक्शन होने के लिए अपने को एसिडिक मीडियम चाहिए, तो हम लोग धीरे से यहां से ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं H2SO4, एकदम धीरे से ड्रॉप बाय ड्रॉप जाना चाहिए, ठीक है, वैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे जाता है, एंड जिस पॉइंट पे यहाँ पे टच होता है, ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन जो है, पूरा सोल्यूशन नहीं सॉरी, ये सोल्यूशन की ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर ऐसे एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है, रिंग समझ में आ रहा है ना, वो सोल्यूशन का जो सरफेस एरिया है टेस्ट ट्यूब में उसके ऊपर, ठीक है, तो एक ऐसे ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है, एंड ब्राउन रिंग इज द इंडिकेशन ऑफ NO3 ग्रुप। तो ये रिएक्शन होती क्यों है एंड कैसे होती है वो देखते हैं। गाइस पहली बात, H+ के प्रेजेंस में H2SO4, मतलब वो H+ प्रेजेंस दे रहे हैं, ठीक है, H+ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब गाइस इनमें जब रिएक्शन होती है तो तुम लोगों को मिलता है Fe3+, क्या मिलता है, Fe3+, Fe3+ मतलब Fe2SO4 ट्वाइस प्लस प्लस यहाँ पे बनता है NO, यहाँ पे बनता है NO, हाँ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, करेक्ट बोल रहे हो, तो गाइस दूसरा मिलता है NO। अब गाइस ये NO रिएक्ट करता है Fe3+ के साथ, देखो हम लोगों के पास सोल्यूशन में Fe3+ है, हम लोगों के पास सोल्यूशन में Fe3+ है, ये Fe3+ रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NO एंड दे फॉर्म Fe H2O5 NO कॉम्प्लेक्स, ये मिलता है तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स, राइट इट डाउन गाइस फास्ट, ये कंप्लीट करो लिख के जल्दी। चलो हो गया लिख के, यस गाइस, सो नेक्स्ट थर्ड वन इज N2O3, ये तो हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। N2O3 कैसे बनाओगे गाइस, NO लेने का, NO2 मिक्स करना, एंड यू विल गेट N2O3, नॉट डिफिकल्ट राइट, बहुत सिंपल ही है गाइस। फोर्थ रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ NO2,
तुम लोगों को होमवर्क असाइन हो गया था, अगर होमवर्क असाइन हुआ रहेगा तो ये रिएक्शन तुम लोगों ने पहले से किए हैं। कोई भी NO3 वाला ग्रुप ले लो, NO3- एंड उसे हीट करना स्टार्ट करो। इसे हीट करोगे तो तुम लोगों को मिलता है NO2+ half O2। ये सत्य है गाइस, यही ऐसे हमेशा होता है। तो गाइस फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोगों को होमवर्क का एग्जाम्पल याद दिलाऊ, HNO3 था होमवर्क में, HNO3 को अगर हीट करोगे तो तुम लोगों को NO2+ half O2 मिलने ही वाला है, क्योंकि इसमें NO3 है। तो दो NO2 लगते हैं गाइस, दो NO3 लगता है, दो NO2 गैस रिलीज होती है, दो NO3 गैस रिलीज होती है, प्लस H2O बनता है। देखो गाइस इसमें किसी कुछ डाउट, ये हमेशा ऐसे ही होता है, याद रखना ये हमेशा ऐसे ही होता है, NO2+ half O2, NO2+ half O2। अब ये NO3 था, HNO3 था, इसलिए H2O बना। तुम लोगों के टेक्सट बुक में एग्जाम्पल है PbNO3 twice का, PbNO3 twice को भी अगर तुम लोग हीट करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 2NO2+ half O2 प्लस PbO। देखो गाइस पहले H था इसलिए H2O, अब PB है इसलिए PbO। इज इट डिफिकल्ट? अरे तुम लोगों को समझ आ रहा है ना, मतलब ये थियरी का ही चैप्टर है। मैं तुम लोगों को PYQs कराऊंगा एंड PYQs से तुम लोगों को और ज्यादा लिंक लगेगी, डोंट वरी। ठीक है, ओके। नाउ गाइस नेक्स्ट इज N2O4। ये रिएक्शन तो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार किए, N2O4 की प्रिपरेशन की रिएक्शन या फिर N2O4 के साथ वाली रिएक्शन कैसे होती है बताओ जल्दी। तो गाइस NO2 लो, ब्राउन कलर की गैस, एंड इसे कूल करो। इसे क्या करो? कूल करो। इसे अगर तुम लोग कूल डाउन करोगे तो तुम लोगों को दो NO2 कंबाइन होके मिलके देंगे N2O4, एंड उसी बदले अगर इसको हीट करोगे तो तुम लोगों को ये ब्रेक डाउन होके देगा NO2। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 इज N2O5। अब N2O5 कैसे बनाए? हाउ टू प्रिपेयर N2O5? फ्रीज नहीं, कूल डाउन कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अच्छा पी ब्लॉक का होमवर्क तुम लोगों को अभी तक मिला नहीं है, ठीक है, मैं आज ही असाइन करने बोल दूंगा, डोंट वरी, आज तुम लोगों को होमवर्क असाइन हो जाएगा। नाउ गाइस N2O5 कैसे बनाएंगे जल्दी बताओ, N2O5, हाउ टू प्रिपेयर N2O5। तो गाइस N2O5 बनाने के लिए हम लोग HNO3 में से वाटर रिमूव करते हैं। ठीक है, तो HNO3 इसमें से मुझे निकालना है सिर्फ वाटर। अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है? दो HNO3 लो, दो HNO3 में से वाटर रिमूव करो, तुम लोगों को मिलेगा N2O5। बट इसमें से वाटर रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं P2O5। P2O5 इसमें से वाटर रिमूव करता है और खुद बन जाता है HPO3 twice। दिस इज कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट दिस, खत्म कर दो ये लिख के जल्दी। गाइस अभी भी ताकत है ना कि थक गए? कंटिन्यू करना है ना? ओके, तो चलो बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड, ठीक है, विल स्टॉप हो गया। ठीक है,
अभी मतलब मेरा प्लान था कि HNO3 आज मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, बट ठीक है, HNO3 मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, बट जल्दी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट 2 आवर्स का होगा, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कुछ भी करके ग्रुप 15 खत्म करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर 9 9 10 तक भी जा सकता है, 9 10 नहीं होगा, 9 5 तक मैक्स मैक्स, ठीक है। बट नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 15 खत्म करना है मुझे कुछ भी करके। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब जरा प्रिपेयर होके आना कि लेंदी लेक्चर होगा, ठीक है। आज मैं तुम लोगों को जल्दी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस चलो, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।